चलो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी पिछली दो वीडियो में मैंने आपको एक में तो HCF के सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए थे, और फिर एक वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे जो LCM के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बता दिए थे सारे। फिर मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एक दो टाइप जो HCF और LCM के मिक्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको जरा आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एक ही है कि जैसे क्या करेगा कि HCF और LCM को मिक्स करना होता है इसमें, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यहां पर देखना कि 4/9, 8/21 और 14/27 का जो है आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, HCF निकालना है, सीधे HCF निकालना है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है सीधे सीधे HCF पूछ लेता है या सीधे सीधे LCM पूछता है, कभी भी एग्जाम में HCF और LCM नहीं पूछता है सीधे डायरेक्ट, परंतु जब HCF और LCM पूछता है तो इस फॉर्म में पूछता है, जैसे आपको तीन चार नंबर दे देगा आपका अंश और हर के रूप में, जैसे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, है ना, आपके जैसे भिन्न के रूप में बोल सकते हैं आप लोग। तो इस टाइप में जो है LCM और HCF पूछे जाते हैं। तब जब HCF पूछेगा इस टाइप में, इस फॉर्म में, इसका HCF क्या होगा, तो आप लोग जो है ये कहोगे कि पॉइंट वाले नंबर को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, परंतु पॉइंट वाले में इसमें कभी कभी फर्क आ जाता है, क्योंकि पॉइंट की डिजिट जो है, कुछ कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो पॉइंट के बाद जो है लास्ट तक जो है पूरे नहीं होते, है ना। तो क्योंकि पॉइंट के बाद जो है कोई नंबर बार बार रिपीट भी होता है, जैसे 3333 आ जाता है, 77 आ जाता है, तो इसलिए जो, परंतु इससे आंसर हमेशा एग्जैक्ट निकलता है। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें, जब भी कभी HCF निकालना हो तो आपको पता होगा कि ऊपर के नंबर को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, है ना। जो ये ऊपर के नंबर होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अंश, हिंदी में बोलते हैं नॉमिनेटर, है ना। ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, है ना, ऊपर वाले नॉमिनेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर। तो क्या करना होता है हमें कि जब भी अपन वाले नंबर के ऐसे ऐसे पूछा तो आपने क्या करना है कि जो ऊपर वाले नंबर होंगे, यानी कि चार ऊपर क्या है, दूसरा आठ और फिर क्या है 14, मतलब अंश में क्या क्या है, चार आठ और 14 है, तो इन सब का क्या निकालना, आपको HCF निकालना होता है, और अपॉन, फिर अपॉन में करना आपने, अपॉन में क्या नंबर है आपका, 9 है, 21 है और 27 है, इन सब का क्या निकालना, आपको LCM निकालना है। तो जब आपके ये निकल जाएंगे तो उसके बाद जो भी आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, जो आपको सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा। तो देखो कैसे, अगर आप देखो थोड़ा सा मैं अगर यहां पर रफ में निकाल के दिखाऊं आपको तो कैसे निकलेगा भाई, HCF किस कैसे निकलेगा। मैंने HCF के लिए बताया था आपको, जो पिछले टॉपिक था मेरा, उसमें मैंने आसानी से बताया था कैसे HCF आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो देखो चार का भाग अगर आप आठ में दे तो चार का भाग आठ में दोगे तो चार दूनी आठ, तो जिनको तो सॉल्व करना आता उनको पता ही है चार और आठ का HCF क्या हो गया, यहां से इसमें भाग पूरा पूरा चले जाएगा तो चार HCF हो गया। परंतु अगर आप चार सब तीसरे नंबर को चेक करोगे 14 को, तो 14 में चार का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, ना। तो कैसे निकलेगा HCF, तो 4 3 12 कितना बचेगा यहाँ पे, 2, फिर इस 2 को लोगे इसका भाग किसमें दोगे, 4 में, तो 2 2 4, तो क्या हो गया HCF इनका 2, तो HCF आ गया आपका 2। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर आपका इनका HCF 2 आ रहा है, तो ऊपर आ गया आपका 2। अब नीचे वालों के क्या निकालना है, LCM, नीचे वालों का LCM निकालना, देखो 9 21 और 27 का, देखो 9 21 और 27 का क्या निकालोगे आप, LCM निकालोगे, तो 3 का भाग जाएगा भाई, 3 3 9, 3 7 21 और 3 8 24, 3 9 27, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 1 3 इसमें नहीं जाएगा तो इसको ऐसे रहने दो, फिर इसको देखो 3 3 9, फिर 3 का भाग दोगे आप लोग तो ये जाएगा आपका 3 1 3, और फिर आपको जो है 7 का ही देना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है आपका 7 ही का भाग जाएगा 7 में, है ना। तो देखो जरा इनको आप सॉल्व करके, है ना, कितना आ रहा, 3 3 9 9 3 27, तो 27 और गुणा 7 कितना आ रहा, 7 7 49 और 7 3 7 14, 14 4 18, तो ये आ गया 189। तो ये अपॉन में LCM कितना आ रहा है इसका, 189, तो ये जो है फाइनल आंसर हो गया आपका। तो जो HCF है 4/9 8/21 और 14/27 का क्या आया, ये HCF आया। तो मैंने क्यों बोला था आपको कि भाई इसमें जो है क्या करना होता है, HCF और LCM को मिक्स करना होता है, ये मिक्स वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या हुआ मिक्स, देखो निकालना तो केवल HCF था,
परंतु यूज किसका किया, एचसीएफ का भी किया और एलसीएम का भी। तो जब एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकाल दोगे और नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकाल दोगे। तो आप अपने आप रफ में निकाल के देख लेना, तो जो भी आपका ऊपर वाले का एचसीएफ आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले का जो एलसीएम आएगा वो नीचे आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब जरा दूसरे क्वेश्चन में आओ, जरा दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा, 7 बटे 10, 14 बटे 25 और 42 बटे 55 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, तो मैंने आपको अभी जो ट्रिक बताई थी, अब देखना जरा यहां पर कितना फर्क आ रहा है। आपने क्या करना है, 7, 14 और 42 जो ऊपर वाले नंबर है इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जो नीचे वाले नंबर है क्या है, 10, 25 और 55 इनका क्या निकालना है आपको, इनका निकालना है, नीचे वाले नंबर का निकालना है आपको एचसीएफ। देखो जरा अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो जरा सॉल्व करके, जरा 7, 14 और 42 का एलसीएम निकालो। देखो भाई आप अलग से निकाल देना एलसीएम, 7 × 14, 14 × 28, 34 × 42 तो सब में जो है 7 का भाग जा रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई इनका, 42, बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाएगा, आप चेक करके भी देख लेना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ रहा है इनका, 42 आ रहा है। आप अलग से रफ में निकाल लेना, है ना। अब आप देखो जरा इनका एचसीएफ निकालना नीचे वाले नंबर का। अब 10 का भाग आप 25 में दोगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। आप देख लेना रफ में देखे, मैंने आपको तरीका बता रखा पिछले वीडियो में भी। और अगर आप फिर 5 आ जाएगा, 5 का भाग फिर 55 में दोगे पूरा पूरा चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 42/5 आ जाएगा इसमें, तो 42/5। तो आप लोग इतना ध्यान रखना, यहाँ तो बड़ा नंबर नीचे है और छोटा नंबर ऊपर है, तो आंसर यही आ जाता है। पर ये ध्यान रखना जब कभी भी बड़ा नंबर ऊपर हो तो 5 का भाग कुछ ना कुछ तो जाएगा इसमें, है ना, पाड़े में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको भाग देना। तो 5 का भाग आप 42 में दोगे तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 8 = 40, तो कितना बचेगा, 2, तो 8 सही 2/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सही 2/5, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप जब ऊपर बड़ा नंबर होता नीचे छोटा नंबर होता तो इस फॉर्म में ही आपको इसका आंसर मिलेगा हमेशा। तो समझ गए होंगे आप इन दोनों को कि, तो यहां पे देखो फर्क क्या है, जब भी कभी एचसीएफ निकालना हो, देखो जरा फर्क देखना, इसको जो है रटना मत, थोड़ा समझने वाली बात भी है। जब भी कभी एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम, और जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ। तो देखो जरा फर्क क्या है, एचसीएफ निकाला तो ऊपर गया है एचसीएफ, और एलसीएम निकाला तो ऊपर गया एलसीएम। यानी कि अगर एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकलेगा, और अगर एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकलेगा, बाकी दूसरा वाला अपने आप ही ओपन में चल जाएगा। तो समझ गए होंगे इस चीज को। अब जरा आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे, ये वाला टाइप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। देखो इसमें क्या करना है, जरा समझना बात को। क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका योगफल 48 है, तो इस प्रतिबिंब को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे। या तो क्वेश्चन ऐसा होगा, या फिर क्वेश्चन ऐसा होगा कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 है और योगफल 48 है, तो इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे। तो जो 2 संख्या थी उनके जो कितने जोड़े संभव होंगे, तो आप लोग देखो जरा कैसे निकाले जाते हैं जोड़े। ये जोड़े जो है जो आपके संख्याएं बता रहे हैं, इस प्रतिबिंब को पूरा करते हुए कितने जोड़े संभव होंगे, तो ये जोड़े बता रहा है, जो ये फैक्टर बता रहा है, ये कोप्राइम फैक्टर होते हैं जो आपस में नहीं कटते, है ना, तो उनको निकालना होता है। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। सबसे पहले तो आप संख्या देख लेना, संख्या क्या हो सकती है भाई। आपको पता है कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब एचसीएफ हर संख्या में मौजूद, जिस संख्या का एचसीएफ होगा वो संख्या उससे डिवाइड होगी, मतलब उस संख्या में एचसीएफ हो गया होगा। तो आप लोग ध्यान देना, संख्याएं हमेशा एक तो आप लोग 6x रख देना और एक आप क्या रख देना, 6y। तो दोनों संख्याएं आप इस तरीके से रख लेना पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोनों संख्याएं आपको मिल गई, तो इसके बाद बोल रहा कि उनका योगफल 48 है। तो योगफल 48, तो किसका योगफल 48 है, 6x और 6y का ही तो है। तो 6x + 6y बराबर क्या होना चाहिए, 48। तो ये हो गया आपका योगफल, है ना, 6x और 6y का योगफल कर दिया आपने, 48 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से 6 कॉमन आ जाएगा तो x + y = ये 6 कॉमन आ जाएगा, तो सीधे इसका ओपन में आ जाएगा 48 के, तो ये आ गया यहां पर, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे कॉमन लोगे तो यहां पर आ जाएगा, यहां से ये सीधे ओपन में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में, तो इसका ओपन में आ जाएगा। तो 6 का भाग दोगे इसमें आप लोग तो कितने बार जाएगा, 6 × 8 = 48। तो x + y कितना आ गया आपका,
एट आ गया। तो ये एट जो है आंसर नहीं है, कहीं कहीं पे जो है इसका आंसर भी इसी को लिख देता है, बहुत गलत हो जाता है। ये आंसर नहीं है, आंसर अब निकलेंगे हमारे। तो मतलब हमारे हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, मतलब जोड़े निकालना है। तो वो ये बोल रहा है कि कितने जोड़े संभव होंगे, तो वो जोड़े जो कोऑपरेंट फैक्टर होते हैं जो आपस में नहीं कटते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इनके जोड़े जो है आगे पीछे करके जो है बना देते हैं और गलत हो जाते हैं, कभी ज्यादा निकल जाते हैं जोड़े गलती से, कभी रिपीट हो जाता है, कभी कम हो जाते हैं। तो मैं आपको जोड़े बनाने का तरीका बता रहा हूं यहाँ पे, वही जो है आपको यहाँ पे भी काम आएगा। तो देखो क्या करना है, क्योंकि ये प्लस है एक्स प्लस वाई है बराबर आठ, तो हमने ऐसे संख्या की आठ को कितने तरीके से आप तोड़ सकते हो एक्स प्लस वाई में, कितना मतलब वही आपके जोड़े होंगे। तो आप लोग देखो कितने तरीके से तोड़ सकते हो, तो एक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक तो आएगा ही आएगा, जैसे एक और सात, तो एक और सात कितना होता है आठ, तो जोड़ के आना चाहिए क्योंकि ये प्लस है ना, तो इसलिए यहां पर क्योंकि योगफल है तो जोड़ के आना चाहिए। तो एक और सात आठ, तो एक जोड़ा बन गया आपका। अब दूसरा देखो, दो और छह, दो और छह आठ है, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि आपस में कट रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा। परंतु आप एक बार देखना, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन से माने जाएंगे कौन से नहीं, और क्यों माने जाएंगे क्यों नहीं, है ना। तो पहले एक बार देख लेते हैं पूरा कंप्लीट करके, पहले एक और सात देखा, फिर दो और छह देखा, दो और छह आठ, फिर तीन ले लो, फिर तीन और पांच देखेंगे, तो तीन और पांच कितना होता है आठ, फिर आप क्या देखोगे चार और चार देखोगे, तो चार और चार कितना होता है आठ, परंतु ये जो है रिपीट हो जाएगा अब इसके बाद, है ना। इसके बाद क्या रिपीट हो जाएगा आप देखो, फिर इसके बाद देखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, पांच और तीन आ जाएगा, तो पांच और तीन फिर आ गया, तो इन्हीं को रिपीट करेगा। तो जहां पर नंबर रिपीट हो जाएंगे वहां पर आपको छोड़ देना है, इससे आगे नहीं जाना। तो देखो नंबर तो आपके वैसे एक दो तीन चार, चार जोड़े बन गए, परंतु हमारे जोड़े जो होते हैं इसमें हमेशा कोऑपरेंट फैक्टर होने चाहिए। कोऑपरेंट फैक्टर मतलब सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या ऐसी होती है जो आपस में नहीं कटती है, तो इसमें एक तो लेते ही लेते हैं जो एक के साथ वाली होती है, ये तो होगी होगी एक। अब इसको देखो, दो तीन छह, दो और छह आपस में कट रहे हैं तो इसलिए ये वाला जोड़ा नहीं होगा, ये एक हो गया, ये वाला जोड़ा नहीं होगा। तीन और पांच भी आपस में नहीं कट रहे हैं, इनका भाग आपस में नहीं जा रहा है, तो ये आपका ठीक है, पर चार और चार तो आपस में कट रहे हैं तो ये भी नहीं चलेगा। तो एक और दो है ना, दो जोड़े हो गए, तो क्या हो जाएगा आपका दो जोड़े, तो दो जोड़े इसका आंसर हो गया भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन, है ना। अब जरा दूसरे क्वेश्चन में देखना, यहां पर योगफल में दिया था, अब दूसरा क्वेश्चन आपका गुणनफल में आता है। गुणनफल वाला क्वेश्चन देखना कैसा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है और उनका गुणनफल 1280 है, तो इन संख्याओं तो इस प्रतिबिंब को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे। तो देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, पर यहां पे योगफल दिया था, वहां पर गुणनफल दिया, बाकी काम आपको अभी भी वही करना है, पर लास्ट में थोड़ा सा देखो क्या चेंजेज आता है इसमें। देखो अगर एचसीएफ है तो इसी से आप दो संख्या निकाल दोगे। देखो यहां पर एचसीएफ 6 था तो हमने संख्याएं कैसे बना दी थी, 6x और 6y, यहां पे एचसीएफ 8 है तो संख्याएं क्या बन जाएगी आपकी 8x और 8y, ये बन गया आपकी संख्याएं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पे क्या था, दो संख्याओं का योगफल 48 था, इसलिए योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, तो इसलिए हमने 6x और 6y को इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 48 के बराबर कर दिया। परंतु यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल 1280, गुणनफल दिया हुआ तो गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इसलिए आप इन 8x और 8y को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको किसके बराबर कर देंगे, 1280 के बराबर कर देंगे। तो आपका ये हो गया गुणनफल, यहां पे योगफल था इसलिए जोड़ के 48 के बराबर रखा, यहां पे गुणनफल है इसलिए मल्टीप्लाई करके जो है 1280 के बराबर रखेंगे। अब यहां पे जो है मल्टीप्लाई में तो कॉमन तो नहीं आता, कॉमन तो तब आता है जब बीच में प्लस या माइनस होता, तो एक नंबर कॉमन आया था, तो दोनों में से आ जाता है एक एक नंबर कॉमन। पर यहां पर क्या मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में ऐसे कॉमन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा आपका कि एक्स गुणा वाई बराबर, ये 1280 है, सीधे 1280 का अपर में दोनों के दोनों एट आ जाएंगे, यहां भी ये भी और ये भी, ये इधर बराबर के इधर जाएंगे तो अपर में आ जाएंगे। अब आठ का भाग दे दो आप लोग इसमें, आठ से कटेगा ये, देखो आठ से आप इसको काटो अगर पहले वाले नंबर को, तो देखो कितने बार जाएगा, आठ का मार्ट चार बचेगा, आठ से 48 देखो ये हो गया, फिर आठ का भाग इसमें दोगे तो आठ दो 16, तो कितना बचा है 20, तो एक्स गुणा वाई बराबर क्या हो गया आपका 20 हो गया। परंतु 20 क्या आया, ये संख्या आई, ये इनका मल्टीप्लाई आया 20, है ना। तो इसका मतलब अब हमें क्या निकालना है, कोऑपरेंट फैक्टर निकालना है, तो इसके कितने कोऑपरेंट फैक्टर बनेंगे, तो कोऑपरेंट फैक्टर निकालना हमने, तो देखो यानी कि जोड़े कितने बनेंगे जो हमें हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जोड़े। देखो तो 20 का भी यहां पे देखो जो जोड़े थे यहां पे क्योंकि प्लस में था,
तो इसमें इसलिए जो है क्योंकि यहाँ पे योगफल में है या प्लस में है, तो योगफल के हिसाब से जो है जोड़े जो है जोड़ के आपका आठ बनना चाहिए, मतलब प्लस करके आठ बनना चाहिए। परंतु यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में एक तो 20 कितने बार जो मल्टीप्लाई करके या कितने तरीके से आ सकता है, तो आपको 20 के हिसाब से देखना, मल्टीप्लाई के हिसाब से देखना 20 बना के। तो देखो जैसे आप लोग एक में दोगे तो एक गुणा 20 करोगे तो 20 कम 20 बन जाएगा, एक के साथ एक बनेगा। तो एक से ही शुरू करोगे आप लोग जब तक रिपीट ना हो जाए, है ना। फिर आप दो से देखोगे तो दो गुणा 10, तो 10 दुनी 20, है ना। फिर आप तीन पे आओगे तो तीन के पाड़े में 20 आता ही नहीं, क्योंकि 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। फिर चार लोगे तो 4 और 5, तो 4×5 = 20, है ना। फिर आप लोग जो क्या लोगे, 5 लोगे तो 5 × 4, तो 5 × 20। देखो इसने इसको रिपीट कर दिया, ये 4 × 5 और 5 × 4, अब ऐसे ही होता रहेगा। तो जो रिपीट कर देगा आपको उसको लेना ही नहीं, सीधी सी बात है। आप इसको नहीं भी लोगे तो आपको कोई देखने की जरूरत ही नहीं, तो जो रिपीट करेगा उसको लेना ही नहीं है। तो क्या हो जाएंगे आपके कितने फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ठीक है ये आपस में नहीं कट, मतलब ये एक के साथ तो आएगा ही आएगा, है ना। परंतु ये देखो 2 का भाग 10 में जा रहा, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हमें कोप्राइम फैक्टर चाहिए। यहाँ पे 4 और 5 आपस में नहीं कट रहे, तो ये भी ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 जोड़े, है ना, 2 जोड़े इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे 2 आया आंसर, यहाँ भी 2 आया, तो 2 ही हर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आंसर जो है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, परंतु मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया है, तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व कर लेना। अब इनके ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे आया, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आपको